10 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद एसडीएम पिंकी मीणा 16 फरवरी को एक जज के साथ शादी करेंगी। पिछले 29 दिनों से जेल में बंद पिंकी राणा को 10 दिन की सशर्त जमानत मिली है। पिंकी को बुधवार की रात रिहा किया गया है। पिंकी मीणा को महिला जेल के गेट की बजाय सेंट्रल जेल के मेन गेट से बाहर निकाला गया। उनके परिवार के लोग उन्हें लेने आए थे। वे जयपुर से चौमू के चितवाड़ी में अपने गांव के लिए रवाना हो गए। पिंकी को शादी के 5 दिन बाद यानी 21 फरवरी को सरेंडर करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। एसडीएम मीणा ने जनवरी 2021 में निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया था। सरकारी वकील ने जांच प्रभावित होने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। हालांकि अब हाईकोर्ट से पिंकी को शादी के 6 दिन पहले जमानत मिल गई। एसीबी ने 13 जनवरी को हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और 10 लाख की रिश्वत लेने की शिकायत पर बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दोनों एसडीएम ने भारतमाला परियोजना कंपनी के अधिकारियों से रिश्वत की मांग की थी। पिंकी मीणा जयपुर जिले में चौमू के चितवाड़ी गांव की रहने वाली है। सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने वाली पिंकी मीणा के पिता किसान हैं।